जी हाँ, आपको बता दें, आज गोलघर स्थित स्थानीय होटल में एमएलसी प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह के समर्थन में छात्र संघ पदाधिकारियों एवं छात्र नेताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में सभी ने एक सुर में दलीय सीमा के ऊपर उठकर देवेंद्र प्रताप सिंह को रिकॉर्ड मतों से जिताने का संकल्प लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष दिनेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि देवेंद्र प्रताप सिंह जी संघर्षों के पर्याय हैं, उनकी इसी प्रवृत्ति के चलते जनता उन्हें 2 दशकों से ज्यादा वक्त विधान सब परिषद में भेज चुकी है। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष डॉक्टर भानु प्रताप सिंह ने कहा कि देवेंद्र प्रताप सिंह जी छात्रों और नौजवानों को की लगातार आवाज उठाते रहे, जिनकी देन है कि युवा तरुणाई उनके हर चुनाव में उमड़ कर उन्हें वोट देकर सदन भेजती है। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर समीर सिंह ने कहा कि युवाओं, नौजवानों और स्नातक वर्ग का जिस तरह से पूरे क्षेत्र में समर्थन प्राप्त हो रहा है, इससे स्पष्ट है कि देवेंद्र प्रताप सिंह ऐतिहासिक मतों से जीत कर सदन में गरिमा बढ़ाएंगे। संघ के सभी भूतपूर्व छात्र संघ के पदाधिकारी और भविष्य का नेतृत्व करने वाले हमारे सभी छात्र नेता आज यहाँ एकत्रित हैं। छात्र संघों के पदाधिकारी और छात्र नेताओं का एक सम्मेलन आदरणीय दिनेश चंद श्रीवास्तव जी पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष के नेतृत्व में, श्रीमान भानु सिंह जी पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष के नेतृत्व में एक सम्मेलन यहाँ आयोजित है। सभी भविष्य के छात्र नेता और पूर्व छात्र संघ के पदाधिकारी आज यहाँ एकत्रित हैं श्रीमान देवेंद्र सिंह जी को समर्थन देने के लिए। और हम सब समाज के सभी ग्रेजुएट मतदाताओं से आग्रह करेंगे और समाज के सभी प्रबुद्ध जन से आग्रह करेंगे कि श्रीमान देवेंद्र सिंह जी को भारी बहुमत से चुनाव जिताकर उच्च सदन, जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद के नाम से जाना जाता है, उसमें अधिक से अधिक मत दे के भारी बहुमत से विजयी बना के भेजें, जिससे छात्रों और नौजवानों, मजलूमों और गरीबों और विद्यार्थियों की आवाज़ को श्रीमान देवेंद्र सिंह जी बुलंद कर सकें और उनकी समस्याओं का समाधान करा सकें।